ये उन दिनों की बात है। आपके जो नाना है जयप्रकाश जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उन्हें भला कौन इनकार करेगा। हाँ एक बात तो बताओ, तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, फिर हिंदी मीडियम में प्रवेश क्यों लेना चाहते हो? वही तो बात है सर, पराई भाषा ना मैंने बहुत पढ़ ली, अब आप ही बताइए आखिर कब तक हम इन अंग्रेजों की मान से गुलामी करते रहेंगे? सर क्या हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, अपनी विरासत किसी से कम है? बहुत कम है। क्या मेरा मतलब है, ऐसी सोच रखने वाले बच्चे बहुत कम है। सर सच कहूं, कभी कभी ना महान गांधी जी और भगत सिंह सपने में आते हैं और एक ही प्रश्न करते हैं कि क्या हमने तुम्हें आजादी इसलिए दिलाई कि तुम इस मिट्टी की महक को भूल जाओ? वाह अति सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर विचार है तुम्हारे। मुंशी जी आप फॉर्म भर दीजिए और बेटा तुम कल से स्कूल आ सकते हो। सिर्फ इसलिए कि समीर उस स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा जिसमें उसके स्टेप फादर ने पढ़ा था, समीर ने हमारे स्कूल में एडमिशन ले लिया। हीरो हीरोइन को पास लाने के लिए भगवान ने सारा ड्रामा सेट कर दिया था। अच्छा बाबा आप यही रुको, मैं फॉर्म भर गया था। ठीक है। एक्सक्यूज मी, टॉयलेट कहाँ है? वहाँ से सीधे जाना, आगे जाकर वॉशरूम। बाथरूम में एक लड़के को देखा। हैंडसम था। स्टूपिड, लेडीज बाथरूम में एक लड़के को देखा। लेडीज बाथरूम में? हाँ वही तो, ऐसे कैसे कोई लड़का लेडीज बाथरूम में आ सकता है, बेशरम। अरे तू ये सोच कि तुझे तेरा प्रेम मिल गया, जैसे मैंने प्यार किया, मैं सुमन को प्रेम बाथरूम में मिला था। अरे तू ये सब छोड़, पहले तू ये बता तेरा प्रेम दिखने में सलमान खान जितना हैंडसम था कि नहीं? मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मैं तो इतना घबरा गई थी कि बस भागी वहां से। धक तेरे की, सो फट्टू यार। प्रेम ने कहा था आजकल दरवाजे का लॉक करने का भी जमाना नहीं रहा, और फिर सुमन ने कितने स्टाइल से कहा था आजकल दरवाजे का लॉक करने का भी जमाना नहीं रहा। नैना। लो जी लव स्टोरी शुरू क्या होती, मेरी तो लाइफ में ड्रामा पहले से ही आ गया। तब पेरेंट्स को स्कूल आने के लिए ना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था और ना ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, कभी भी फुल फैमिली क्लास के सामने आ सकती थी। आप लोग यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या है ये सब? हुआ क्या ताऊ जी? बोली न बनो, यही करने आते हो स्कूल में, इसीलिए भेजते हम तुमको स्कूल। क्या हो रहा है यहाँ पे? नैना क्या हो रहा है? मैम वो मेरे घर वाले यहाँ। ओहो अंकल जी क्यों इतने परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? पंडित तुम्हें सब पता करना है, चलिए आप लोग सब अपना अपना काम करिए। माफ कीजिएगा लेकिन आप लोग अपनी बातें वहां जाके करिए प्लीज। बोलो क्या है ये चिट्ठी? किसने लिखी? मुझे नहीं पता। तुम्हारी विज्ञान की कॉपी में ये चिट्ठी मिली और तुम्हें नहीं पता? नहीं वाह, तेरी बेला चाची तो दिन रात सोती रहती है, उसे कहाँ दिखाई देगा कि उसकी नाक के नीचे लड़कियाँ क्या रासलीला कर रही हैं? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, इतनी बड़ी लड़की की कॉपी मैं क्यों देखूंगी भला? नैना जवाब दे। चाची जी मैं क्या जवाब दूं, मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हाँ लेकिन हमें सब समझ में आ गया है,
पूरा का पूरा चिट्ठी कांड है क्या? अच्छा, क्या भाभी जी? अरे वही जिसके कहने पर इसने बाल कटवाए और जिसकी कलाई पे दुपट्टा फाड़ के बांध आई और आज ये सब है। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। ये चिट्ठी कबूतर लेकर आया? तो क्या घर में तुम लोग सब सो रहे थे? कितनी बार बोला है खिड़कियां बंद रखा करो। अरे नीनी भाई साहब, ये तो गाना है, कबूतर जा 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 कबूतर। गाना गाना गाना, और दिखाओ सिनेमा बच्चों को, दिखाओ। इन नाचने गाने वालों ने तो हमारे बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा। बस कीजिए भाई साहब। बेटा, हमें तुम्हारे पे पूरा विश्वास है, तुम झूठ नहीं बोलोगी। अच्छा, अगर तुम्हें चिट्ठी के बारे में कुछ भी पता है तो बता दो हमें। चाचा जी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, भगवान का सब, मुझे कुछ नहीं पता। ये चिट्ठी कहाँ से आई, किसने लिखी, मैं कुछ नहीं जानती। भाई साहब, मैंने सबके सामने झूठ नहीं बोलेगी। अगर वो कह रही है कि चिट्ठी के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम, तो वो सच कह रही है। अगर चिट्ठी उसकी होती तो वो सबके सामने खुला थोड़ी छोड़ के जाती। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ऐसी भी हमारी नैना भोली है, पर बुद्धू नहीं है। आखिर हमारी परवरिश है, क्यों? और हमें पता है, हमारी नैना कभी कुछ गलत नहीं करेगी। अरे नहीं बेटा, रोते नहीं, एकदम चुप। उस वक्त चाचा जी के भरोसे ने मुझे ये सिखाया था कि बड़ों का विश्वास बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है। हैरत तो ये नहीं कि चरित्र के कच्चे हैं, हैरत तो ये है ये हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं। आज तक हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो स्कूल की इज्जत की चिंता सता रही है। हमारी बेटी की कोई चिंता नहीं, यहाँ पर ये रंगरलिया सीखने के लिए भेजते हैं हम। देखिए, आप चिंता ना कीजिए, ये हरकत जिस बच्चे ने भी की है, थोड़ी देर में वो पकड़ा जाएगा। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। क्या हुआ सर, आपने अचानक बुलाया? क्या हुआ? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ, ये देखिए क्या हो रहा है आपकी क्लास में। बात समझ में आई? जी सर, अक्षर बहुत ही खराब लिखे हुए हैं। अरे मैं हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सर मात्राएं भी काफी गलत हैं। अरे आप ग्रामर छोड़िए, और ये हमारा हरकत किसने की है पता कीजिए। उस दिन सबके लिए एजेंडा हो गया था ये चिट्ठी पुरानी। मैं तो खुद हैरान थी कि मुझे कौन ऐसा लव लेटर लिख सकता है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है डियर की स्पेलिंग का ना रट्टा मरवा रही है मैडम। तो ये सब लड़कों से ही क्यों? लड़कियों के लिए डियर वर्ड नहीं होता क्या? होता है, लेकिन शादी के बाद। अच्छा, 1990 हो या 2017, तब से लेके आज तक लड़कियों से इतने सवाल क्यों पूछे जाते हैं? लड़कियों को अपने कैरेक्टर के साफ होने का सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। उस दिन वो एक घंटा कैसे बीता बस मैं ही जानती हूँ। कौन बचा अभी? टेबरीवाल, संजय टेबरीवाल। चलो आप। बड़े ही शर्म की बात है, आज तक प्रगति विद्या का मंदिर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। संजय टेबरीवाल, स्टैंड अप। ये? तुम्हारी विज्ञान की नोटबुक मिलेगी। गणित के पीरियड में तुम्हें विज्ञान की नोटबुक क्यों चाहिए? वो मुझे कुछ तो चेक करना था, देना ना प्लीज। क्या है ये? सॉरी सर, वो लेटर गलती से लिख दिया था और नैना के नोटबुक में चला गया। भाई, नैना को तो राखी बांधने में डर लगता है, और इसे देखो, प्रेम पत्र लिख दिया। सिर्फ गलती से? अरे पाप है ये, पाप। सॉरी सर। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा,
कल अपने पिताजी को साथ लेकर आए। और आप सब भी सुन लो, इस विद्यालय के परिसर में ऐसी गंदी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सब इस नैना की वजह से हो रहा है। प्रिंसिपल जी, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर की गंदी भावना को खत्म करने के लिए नैना इसको राखी बांधेगी और ये बहन मानेगा उसको। सजा तो मिलनी चाहिए और इससे अच्छी सजा हो नहीं सकती। बाप रे, ऐसी सजा मिली थी संजय को और मुझे, पर हमारी मासूमियत देखिए कि जबरदस्ती की बांधी राखी क्यों ना हो, उसका मान रखना जानते थे। उसके बाद पूरे दिल से संजय ने हमेशा मुझे अपनी बहन मानी। आज तक मैं उसे राखी भेजती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब सजा भी रिश्ता बना देती थी। अब बोल, नैना आज से तेरी बहन हुई। आज से नैना तेरी मेरी बहन है। प्रगति विद्या का मंदिर है? प्रगति विद्या का मंदिर? सेंट जेवियर्स में एडमिशन के लिए कहा था ना? वो सेंट जेवियर में सीट फुल हो गया था मालिक, इसलिए मैंने सोचा बच्चे का एक साल खराब ना हो जाए तो किसी म्यूनिसिपल स्कूल में एडमिशन करवा देता। समीर के फ्यूचर का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। अब नानू 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 क्या नानू, आप इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा करेंगे? आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। तू चुप कर। मैं तेरा एडमिशन किसी कॉन्वेंट स्कूल में करवाना चाहता था और ये किसी हिंदी मीडियम स्कूल में तेरा दाखिला करवा के आ गया। बेटा देख, आगे का जमाना ना अंग्रेजी का होने वाला है, शुद्ध हिंदी बोलने वाले पर दुनिया हंसेगी। इट्स ओके नानू, गलती हो जाती है। अच्छा अंकल, आप नानू को सॉरी बोलो। मैं? हाँ सॉरी बोलो ना। मैं सॉरी बोलूं? अरे क्यों नहीं सॉरी बोलेगा, कोई लाड साहब है क्या? बोल सॉरी। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? चल क्या रहा है? कुछ नहीं नानू। नानू आप बैठिए ना। नहीं मैं नहीं बैठूंगा। नानू अब बैठिए एक मिनट। ओ ओ नानू आप ही बताइए, मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, राइट? तो इंग्लिश तो मेरी अच्छी है, अब अंकल की वजह से मेरी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। नानू मुझे आप ही बताइए, आप हिंदी मीडियम में पढ़े राइट? राइट। और कैसे आप 20 रुपए लेके इस अहमदाबाद शहर में आए थे? 20 रुपए। और आज आप कितने बड़े नामी ग्रामी कपड़े के व्यापारी बन गए। नानू आपको पता है, अगर आपकी तरह हौसले बुलंद हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और आपको पता है, अपनी जिंदगी में आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आप ही मेरे आदर्श हो नानू। मैं तेरा आदर्श हूँ। आपकी कसम मम्मी जी। अरे मैं कहती हूँ कि लड़कों से दोस्ती करने की जरूरत ही क्या है? दोस्ती? मैं कहता हूँ लड़कों से बात करने की भी जरूरत क्या है? अब बात भी छोड़ो, मैं तो कहती हूँ लड़कों की तरफ नजर उठाने की भी क्या जरूरत है? भाभी जी, भाई साहब, अब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो आपस में बात करना स्वाभाविक है ना। ये 20वीं सदी है, जमाना बदल रहा है। जमाना कुएं में कूदेगा तो हम भी कुएं में कूद जाएं? और इसका ये मतलब है कि मान मर्यादा संस्कार सब कुछ भूल जाएं? ये लड़कों से दोस्ती, ये प्यार, ये जो आजकल सब कुछ सीख रहे हैं ना, मैं बता दूं कि बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और तुम लड़कियों ने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो हमारे घर में जन्म लिया है, और हम इन्हें स्कूल भेजते हैं, पढ़ने भेजते हैं। गांव में जाके देखो, गांव में छोरियां गोबर से कंडे करते करते 3 बच्चों की मां बन जाती हैं। कंडे क्या होते हैं? गोबर के गोले। भाई साहब, मगर हम गांव में नहीं हैं, जमाना बदल चुका है। जहन्नुम में जाए जमाना, और जमाने को मॉडर्न होना है तो होए, पर हमारे घर में मान मर्यादाओं के साथ रहना होगा बस। और ये जो चित्रहार पित्रहार में घर बैठे गाने देख रहे हैं ना, उसी से सीख रहे हैं सब कुछ, प्यार मोहब्बत। ये जो चाचा है ना तुमसे जो प्रेम करते हैं, कल को प्रेम विवाह करके जब वापस आओगी ना तो ये भी नहीं रखेंगे, समझी? ये उन दिनों की बात है जब घुट्टी में ये पिलाया जाता था कि अरेंज मैरिज ही सत्य है और प्यार मिथ्या। हमें प्यार शब्द से इतना डराया जाता था कि 7 जन्म तक प्यार करने का सोच भी नहीं सकते थे हम। जिस लव लेटर का मुझे पता भी नहीं था, उसने मेरी लव स्टोरी का टेम्प्रेरी गला घोंट दिया। मैंने सोच लिया था कि कोई लड़का कितना भी प्रिंस चार्मिंग क्यों ना हो, मेरे दिल में उसकी एंट्री नहीं हो सकती।
यार संजय, संजय ये पंडित तेरा आज से गुलाम भाई। मैं तो सोचता था तू सिर्फ पढ़ाई में होशियार है, पर तूने चिट्ठी लिखकर जो बहादुरी का काम किया है ना, ये सर तेरे आगे नतमस्तक हो गया भाई। सच्ची बात बता, चिट्ठी लिखी सो ठीक है, पर नैना को भाई तुझे उसमें ऐसा क्या दिख गया है? लड़का शर्मा गया। जितनी भी नैना नाम की लड़कियां हैं, वो भी हमारी बहन हैं। नैना बहन, हम सब राखी लाए हैं, बस घर वालों को मत बुलाना। जगा दो दीदी को। जाइए जाइए दीदी जाइए। नाटक तो देख, इसके नए नए एडमिशन हुए और तेवर ऐसे हैं कि जैसे खुद ही स्कूल का ट्रस्टी हो। ऐसे लड़के ना पैदाइशी अमीर और बिगड़े होते हैं। बोलना छोड़, खेलना सीख, समझा? क्या हुआ? चिट्ठी लिखी संजय ने, राखी बंधवाई मेरे घर वालों ने, और सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, जिसने कुछ किया ही नहीं है। मनोज और पंडित कितना चिढ़ा रहे थे मुझे, इन सब चक्करों में मैं पानी भी नहीं पी पाई, अब से प्यास लगी है। देख, दो दिन में सारी बातें पुरानी हो जाती है, और वैसे भी मैं हूं ना तेरी बेस्ट फ्रेंड, अभी शांति टीचर को आने में टाइम है, तू जल्दी जाके पानी पी कर आ, और मुझे प्रीति से मैगजीन ले दे, मैं लेकर आती हूँ। और हाँ, पानी पीते पीते अपना ये रोता हुआ मुंह भी ठीक कर लेना। वैसे भी संजय प्रेम थोड़ी ना है, प्रेम इस टाइप के लड़के नहीं हो सकते। प्रेम प्रेम छोड़, मुझे तो किसी लड़की की तरफ देखना भी नहीं है। तो फिर उस बाथरूम वाले का क्या होगा? भाड़ में जाए वो। मैंने तो कसम खा ली, मैं क्या मेरी सात पुश्तें भी कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे। ए अमीरजादे, लगता है तूने माँ का दूध नहीं पिया है।
दो मिनट पहले किसी लड़के को देखना नहीं और प्यार करना नहीं वाली कसम इतनी जल्दी टूट जाएगी? ये इस दिल को कहाँ पता था? समीर को देखकर दिल की धक धक बढ़ गई कि जैसे मैंने प्यार किया का प्लेन सामने आकर खड़ा हो गया हो। ये क्या एहसास था? उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। शायद ये लाइनें नाजुक लम्हे पे ही लिखी गई होंगी कि इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.